हेलो परिवार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और मेरे वीडियो जो नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को वीडियो मेरा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो इधर आ गई हूँ मैं लंच का तैयारी करने के लिए। तो मैं अभी ली हूँ गवार फली और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये गवार फली मैं इस साल पहला बार बना रही हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मेरा घर का नहीं है, ख़रीदा हुआ है। आज सुबह घर के सामने बेचने आई थी सब्ज़ी वाली, तो उसी से मैं ख़रीदी हूँ। और ये बैंगन भी ख़रीदी थी, तो देखिए बैंगन में बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं, तो उसको भी मैं चुन चुन के बना रही हूँ। ये देखिए, ये जो बैगन है बहुत ही कीड़ा निकला, पूरा बैगन को मुझे फेंकना पड़ा। तो इसी तरह होता है, लेते वक्त तो दिखता नहीं है लेकिन काटने वक्त बहुत ही कीड़े निकलते हैं। तो इधर मैं एक एक करके सब्जी काट लूँगी और काट के जल्दी से खाना बनाना है। और मुझे जाना है आज मार्केट की तरफ, क्योंकि आज धनतेरस है, तो थोड़ा सा ख़रीदारी कर लूँगी। और जो कीड़े वाले सब्जी होते हैं ना, वो काटने में बहुत टाइम लगते हैं, तो मैं काटने में ही सारा टाइम लग गया, बहुत सारा। तो इधर आ गई हूँ किचन में। और इधर मैंने गैस में चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था तो उस पर मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ। और इधर मेरा दूसरा चूल्हाई में था दाल, जो मैंने पहले ही चढ़ा के रखी थी, तो उसको मैं देख लेती हूँ। तो देखिए दाल मेरी गल गई है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि वो बहुत ही थिक हो गई थी इस वजह से। बाद में इसको छोंक दूँगी। और इधर मेरा तेल गर्म हो गया था तो मैंने मोटी मोटी प्याज काट के और उसको प्याज में डाल दी हूँ, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ब्राउन होने तक। और ये देखिए ब्राउन होने लगा है, और इसके बाद मैं आलू इसमें मिला दूंगी और बैंगन। तभी पहले मैं आलू ही मिलाती हूँ, देखिए कुछ कुछ था, एक दो बैंगन आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आलू में पहले भूनती हूँ उसके बाद बैंगन डालती हूँ। तो ये देखिए बैंगन मैंने डाल दी है। और अभी मैं बैंगन को डाल के उसके बाद थोड़ा सा इसको बिना मसाले दिए हुए अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। और इसको इस तरह से भूनने से अच्छी तरह से भून जाती है और मसाला डालने से चिपकने लगती है, तो इस वजह से मैं पहले भूनती हूँ उसके बाद मसाला डालती हूँ। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और उसके बाद मैं सारे सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे नमक हो गया और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालूँगी, उसके बाद गरम मसाला डाल दूँगी। और ये सारे पाउडर डाल के और थोड़ा सा मैं भून लूँगी। इसके इस तरह से भूनने से थोड़ा चिपकने लगती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और भूनूंगी, तो ये चिपकेगी नहीं। और आज मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज मार्केटिंग भी करना जाना है, तो मुझे उधर थोड़ा सा और काम है, तो मार्केटिंग के साथ साथ अपने काम भी करके आऊँगी। तो देखिए मेरा ढक के और मैंने फ्राई कर ली है, और देखिए चिपकने जब लग जाए तभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और जो चिपक रहा था उसको पानी डाल के पहले निकाल लूंगी, उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। तो इतना अच्छी तरह से भूनने के बाद इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाती है। और ये देखिए मैंने तेज पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैं बाद में डाल रही हूँ। तो बाद में डालिए या पहले डालिए, उसका फ्लेवर एक ही जैसा होता है।
और इधर मैं पानी थोड़ा सा एक गिलास मिला के और इसको मैं ढक दूंगी। और उधर मैंने सब्जी को पकने के लिए छोड़ दी है और उसी पकते पकते मैं इधर थोड़ा सा सलाद काट लूँगी। तो सलाद के लिए मैंने ली है गाजर और मूली, और ये मूली मेरे घर की है और गाजर मार्केट से खरीदी हुई है। तो इसको दोनों को काट के और मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से धो लूँगी क्योंकि मूली जो है मेरे बगान की है तो बहुत सारी मिट्टी उट्टी थी, तो उसको भी अच्छी तरह से धो के और काटूँगी। और मैं काट के रख दूँगी इसको ताकि बच्चे अपने से लेके खाना खा लेते हैं। कभी मैं जब घर में नहीं रहती हूँ तो लोग निकाल के और खा लेते हैं, तो मैं इस तरह से बना के रख दूँगी। उसके बाद मैं मार्केट चली जाऊंगी और मार्केट से आने के बाद मैं लंच करूंगी, अभी नहीं करूंगी। तो बच्चे हो सकते हैं खा भी लेते हैं कभी कभी, कभी नहीं खाते हैं तो मेरे आने के बाद खाते हैं। तो बस इस तरह खाना बना के, और ये देखिए मेरा सब्जी हो गया, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसी तरह से मैं गवार फली की सब्ज़ी बनाती हूँ, सूखी सब्जी, इसका ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। तो इधर मैंने खाना बना के और रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। ज़्यादा अभी मार्केट नहीं करना है क्योंकि दिवाली में हम लोग का ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिया वगैरह का शॉपिंग करूँगी, बर्तन वगैरह का। तो चलिए मैं आ गई हूँ मार्केट में। तो ये देखिए ये मार्केट है, बहुत ही फेमस है। और चलिए अपने मार्केट का मैं टूर कराती हूँ आप लोगों को। तो ये है हीरापुर का मार्केट, ये बहुत ही फेमस है, धनबाद का सबसे बड़ा हटिया है। यहाँ पर बहुत सामान, हर तरह के सामान, घर से लेके कपड़े तक, बर्तन, सब कुछ मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सज गई है मार्केट, और रोड के चारों तरफ इस तरह के बर्तनों के बहुत सारे दुकान लग गए हैं, और पीतल के बर्तन बहुत सारे लोग खरीदते हैं दिवाली के लिए, तो ये कलश के लिए भी खरीदते हैं। तो देखिए मैंने भी एक कलश के लिए बर्तन चूज की थी, लेकिन वो फटा निकला और अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इसलिए वजह मैं उसका दाम पूछ के और मैंने रख दी थी, नहीं खरीदी थी। तो देखिए ये सारे इतने घर के सजाने के सामान सब लगे हुए हैं, स्टिकर सब लगे हुए हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम हीरापुर दुल्हन की तरह सजा हुआ है दिवाली में। और फुटपाथ तो में बहुत सारे दुकान लग गए हैं एक्स्ट्रा, जो पहले से तो दुकान है ही, लेकिन एक्स्ट्रा दुकान बहुत सारे लग गए हैं। तो देखिए ये सारे लगे हुए हैं सजावट के सामान घर के। और इधर से ये है मेन रोड, इसी रोड में जाना है, और बहुत यहाँ सारे जो सामान है बहुत सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सिटी गोल्ड का दुकान, ये बहुत ही फेमस है, यह हीरापुर का सिटी गोल्ड का दुकान। यहाँ पर सिटी गोल्ड का ये ज्वेलरी मिलती है, तो यहाँ से मैंने कुछ परचेज की है, तो मैं आपको लोगों को बाद में दिखाऊंगी क्या मैंने खरीदी है। और ये जो गहने हैं ये एकदम सोने से जैसा लगता है, और ये देखिए कितने सुंदर बत्ती लगे हुए हैं हटिया में। और ये देखिए इधर ज्वेलरी का सामान है रोड साइड में, और यार बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं। तो ये देखिए मेन रोड में इस तरह से है, और इधर है हटिया का रास्ता जाने का। और देखिए ऊन का कपड़ा आ गया है, और सर्दी आ गई है ना, इसी वजह से बहुत सारे ऊनी कपड़े यहाँ पर लग गए हैं। और ये देखिए घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे सामान आए हुए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और इधर सारे ऊन के सामान लगे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही सस्ता मिलता है। और यहाँ धनबाद के जितना भी आदमी है, जितना लोग रहते हैं, यहाँ सब आते हैं हटिया करने के लिए। अब बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं, लेकिन मॉल तो बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन हटिया, ये हीरापुर हटिया है, एकदम आना निश्चिंत है। और यहाँ पर हर सामान ऑल ओवर घर का सामान मिलता है, आपको जो चाहिए सब सामान मिलता है, शादी ब्याह से लेके
पूजा तक का सब सामान मिलता है। ये देखिए मैंने हटिया के अंदर का कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये गली गली बहुत सारा गली है यहाँ पर, हर तरह से छोटा छोटा गली गया हुआ है। तो पूरा अगर हीरापुर घूमना है तो पूरा दिन भर लग जाएगा आपको। ये सारे इतने बर्तन सारे लगे हैं दिवाली के लिए स्पेशली, और बहुत चमक रही है हटिया। ये जो मीरापुर मार्केट है, और चारों तरफ सभी चकाचौंध दिख रही है। देखिए बहुत सकरे सकरे गली है यहाँ पर। और मैं का मार्केटिंग करने के लिए यहीं पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का सामान मिल जाता है और कहीं जाना नहीं पड़ता है। हेलो गाई, अब मैं आ गई हूँ घर और मैंने क्या क्या ख़रीदा है मार्केट में, चलिए आपको दिखाती हूँ। और ऐसे हम लोग का दिवाली में ज़्यादा ख़रीदारी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ मैं ख़रीद ली हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का मूर्ति ख़रीदा है, जो मैं लक्ष्मी जी का पूजा करूँगी दिवाली के दिन, तो उस दिन तो मैं पूजा करके आपको लोग दिखाऊँगी। तो चलिए देखिए, ये वाला जो है गणेश जी, ये गणेश और लक्ष्मी का ये मूर्ति है भगवान का, तो उसका मैं पूजा करूँगी, उसके लिए मैंने इसकी ख़रीदारी की है। और हर साल मैं करती हूँ, हर साल नया नया मैं भगवान की मूर्ति लाती हूँ गणेश और लक्ष्मी का, ये देखिए। और मैंने ख़रीदा है अपने लिए कुछ ज्वेलरी, जो आप लोगों को दिखाई थी, मैं ज्वेलरी का दुकान गई थी तो वहाँ पर कुछ ख़रीदारी की हूँ मैं, जो दिवाली में मैं पहनूँगी। तो ये है ये चूड़ियाँ, और ये दो चूड़ियाँ मैंने ख़रीदारी की है, और मुझे ये बहुत पसंद लगा इसका कलर। ये सिंगल सिंगल पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसको मैं चूड़ी के साथ पहनूंगी। और मेरे घर में शादी है कुछ दिन बाद, तो फिर शादी में भी मैं यूज करूंगी और दिवाली में भी पहनूंगी, तो इस वजह से दोनों काम हो जाएगा मेरा। और इधर कुछ और ज्वेलरी मैंने ख़रीदी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए झुमके मैंने ख़रीदी है, ये देखिए ये आर्टिफिशियल झुमके हैं, सोने का नहीं है। ये पहने बहुत ही इजी रहता है, इस वजह से ऑर्डिनरी मैं पहन सकती हूँ घर में। बहुत ही अच्छा लगता है कान में पहनने से इस तरह से। और एक नेकलेस टाइप से है मंगलसूत्र, उसको भी मैं ख़रीदी हूँ, ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ओके, थोड़ा सा फंस गई है। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, गले में भी अच्छी लग रही है। और बस इतना सारा ही ख़रीदारी की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ। और कुछ मैंने और एक बड़ा सामान ख़रीदी है, चलिए आपको बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए मैंने छोटा सा ओखली ख़रीदी है, जो मैंने लहसुन वगैरह कूटने के लिए, और उसको जैसे कि रफली चॉप करना रहता है तो उसको मैं कूट के भी मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में। और ये जो बर्तन है ना, ये मैंने कल ही लिया था। आप जो पहले थोड़ा सा पहले मैंने रसोई में जब थी तो वहाँ पर आपको दिखा होगा, तो मैंने ख़रीद के और रसोई में ही रख दी थी, तो उसी को मैं अभी दिखा रही हूँ। ये मैंने कल ख़रीदा था, और मैं ये सोच के ख़रीदी कि कहीं मैं कि धनतेरस के दिन अगर मार्केट ना जा पाऊँ, तो मैं पहले एक दिन पहले और एक दिन गई थी मार्केट, उसी दिन ख़रीद ली थी। तो ये पानी रखने के लिए है, हम लोग एक दिन पहले भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि धनतेरस में ही ख़रीदना है। और माना जाता है कि धनतेरस में ख़रीदने से शुभ होता है, लेकिन एक दिन पहले ख़रीदने से कोई अशुभ नहीं हो सकता है, तो इसी वजह से मैं पहले ख़रीद। तो कैसा लगा मेरा ख़रीदारी? हम लोग का ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करते हैं दिवाली में, हम लोग का दिवाली बहुत कम धूमधाम से मनाया जाता है, उतना नहीं होता है, हम लोग का सोहरा ही होता है।
और लक्ष्मी पूजा भी नहीं होता है इधर, काली पूजा चलता है तो काली माँ की पूजा की जाती है। और हम लोग का होता है गोरैया, तो गोरैया में हम लोग किसान परिवार से हैं, तो किसान परिवार से हम लोग इस वजह से हम लोग ज़्यादा फसल से संबंधित कोई भी चीज़ होता है उसका पूजा किया जाता है। जैसे हल का हुआ, जैसे हम लोग का सोहराई, जैसे ग्वाल पूजा होगा तो ग्वाल पूजा में हम लोग करते हैं ये हल का, जुआठ का, जैसे खेती जिस चीज़ से किया जाता है उस चीज़ का हम लोग पूजा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।